इतनी सर्दियों की बुने हुए चंदे पहलवान रेवड़ी ये क्या है चने मूंगफली जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आई थी कमर्शियल मार्केट, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। और क्योंकि कमर्शियल मार्केट जो है काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे मैंने जो है अपना सारा बचपन हम लोगों ने यहाँ पे ही गुजारा है। इसी मार्केट में हम लोग आते थे, हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो हम कमर्शियल मार्केट चलो जी, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, रिफ़्रेशमेंट सेंटर है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ। इनकी चाट, दही भल्ले, समोसा चाट, रोल पराठा और पकोड़े वगैरह और खाने की मुख्तलिफ़ जो डिशेज़ हैं, क्योंकि ये साथ रेस्टोरेंट भी है तो यहाँ से हम लोग खाते थे। शॉपिंग कर ली तो चलो जी, अब शॉपिंग के बाद जी हम लोगों ने दही भल्ले खाने हैं तो यहीं पे बैठ के खाते थे। और ये बना रहा था रोल पराठा, उसकी रोटी बना रहा था। आजकल तो ये जो चलगोज़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं, 5,000 रुपया किलो कह रहा था। और ये मैं आगे आई तो आजकल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा जो था मेवा जात वगैरह उसके जो थी वो रेड़ियाँ वगैरह थी। और ये जी मैं आ गई हूँ अब जो कमर्शियल मार्केट की छोटी गली है, इसे हम लोग छोटी गली कहते थे। यहाँ से हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है, अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस हैं। सारे वही अंकल हैं जो हम छोटे बचपन में होते थे तो बैठे होते थे, अभी भी हम लोगों को जो है ये पहचान लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है दुआ सलाम हो जाती है। और ये जी यहाँ पे लोकल शूज़ बच्चों के, और ये भी काफ़ी पुरानी शॉप है। और ये जी ये सारी सर्दियों की चीज़ें, हाई नेक स्वेटरें और जराबे वगैरह और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप। मैं यहाँ आई थी, मुझे एक छोटा सा पेंडेंट सेट चाहिए था तो वो मैं इनसे जो है वो कह रही थी कि मुझे वो चाहिए, वो इनके पास नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो बाकी फिर मैंने इधर से यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस ये सारी टिपिकल ज्वेलरी जो है वो लगी हुई है। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें, अब तो देख के ही बंदा रेट पूछ के ही पीछे हट जाता है। और ये भी बेचारे बैठे हुए थे, कोई भी इतना ख़ास गाहक नहीं था, काफ़ी बिल्कुल ही अकेले। और कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश कम हो गया है, काफ़ी महंगाई की वजह से जो है इनकी सेल में काफ़ी कमी हो गई है। ये झुमकियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, कलरफुल झुमकियाँ थी। ये जी शॉप है जावेद बुक सेंटर, ये भी छोटी गली के अंदर है। यहाँ से मैंने भी अपने बचपन में काफ़ी जो अपनी अम्मी के साथ आती थी, यहाँ से हम लोग अपने जब फाइनल एग्ज़ाम्स होने, रिज़ल्ट निकलना और फौरन जी चलो जी बुक शॉप पे जाके हम अपना सारा सिलेबस यहीं से लेते थे। मेरे बाद मैं अपने बच्चों को लाती थी, यहाँ से ही इनको चीज़ें स्टेशनरी वगैरह बुक्स वगैरह लेके देती थी। और मेरे मैं अपने बेटे को यहाँ से ही जो है वो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो थी डेंकी गाड़ियाँ, और यहाँ से स्टेशनरी और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके देती थी। अब उनका अंकल का बेटा बैठता है तो वो जो है वो काफ़ी हालचाल पूछ रहा था, कहता है बाजी आप काफ़ी अरसे बाद आई हैं। मैंने कहा मेरे भी माशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं,
क्योंकि पहले जब मैं कमर्शियल मार्केट आती थी तो मेरा बेटा जो है वो शॉप से आगे ही नहीं जाता था, कहता था पहले मुझे यहाँ से जी गाड़ी लेके दो फिर मैं आगे चलूँगा। अब बड़े हो गए हैं तो अब ये सारे टॉयज वगैरह जो हैं अब वो स्टेज वगैरह ख़त्म हो चुकी है, और ये जी आगे है जी आजकल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पता है आप सबको कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और काफ़ी गर्म शालें वगैरह जराबे लेगिंग हाई नेक्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में आई हुई हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हर बंदे का अपना रेट है, जो जितना होता है वो लगा लेता है। और ये है जी इशफाक, जहाँ से आपको हर किस्म का कॉस्मेटिक्स वगैरह जो है वो मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास आईलाइनर और मस्कारा जो था वो ख़त्म हुआ हुआ है, वो मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी तो मैंने कहा चलो जी यहाँ से मैं आईलैशेस भी ले लेती हूँ, कभी घर में पड़ी हूँ तो ज़रूरत आ जाती है। अच्छा लगता है अपनी पुरानी शॉप्स में जाके, आपकी बचपन की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। और ये है जी वही छोटी गली, ये बड़ी मशहूर गली है, यहाँ से हम लोगों का बहुत ज़्यादा यादें हैं इस गली से। मैं अपनी अम्मी के साथ भी आती थी, अपनी अम्मी के साथ सारी यादें आ रही थी और अम्मी भी बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो गई मेरी। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में सबसे आला मकाम दे। और ये था जी कमर्शियल मार्केट जो मैंने आपको विज़िट करवाया यहाँ पे, क्योंकि सर्दी थी तो चिकन टिक्के वगैरह और ये सब चीज़ें जो हैं लोग बड़े शौक से कावा सब्ज चाय कश्मीरी चाय जो था वो ज़्यादातर लोग पी रहे थे, और चिकन टिक्के वगैरह और बारबेक्यू वगैरह लोग जो थे वो खा रहे थे, रोल पराठे भी खा रहे थे। ये था जी मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जो आए वो आपको पता चल जाए। ये हम लाए थे जी रिफ्रेशमेंट से समोसा चाट और रोल, तो ये अब हम लोग खाने लगे हैं। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।